हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं गणित की प्रश्नावली 12.1 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। यहाँ पर हमें गुणांकों की संख्यात्मक गुणांकों की पहचान करनी है जो अचर ना हो। अचर का मतलब जो यानी कि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 या इस तरह की संख्याएं ना हो। अचर वो होते हैं जिनका मान बदले नहीं, जिनका मान निश्चित रहता है। तो उनको छोड़ करके बाकी के हमें संख्यात्मक गुणांकों को बताना है। तो बच्चों, पहला पार्ट है 5 - 3t2। यहाँ पर हमारे पास पद हो जाएगा -3t2 -3। बच्चों यहाँ पर पहला पार्ट है 5 - 3t2, ये व्यंजक हमारे पास है, तो पद यहाँ पर हो जाएगा -3t2 और गुणांक हो जाएगा इसका -3, यानी जो टी की दो के साथ में संख्यात्मक संख्या है, जो टी की दो के साथ में जो संख्यात्मक है वही क्या होता है, गुणांक। तो इसके साथ में है -3, तो -3 हो जाएगा इसका गुणांक। सेकेंड पार्ट है 1 - t - t2 - t3। यहाँ पर हमारे पास पद हो जाएगा टी टी की दो टी की तीन, टी का गुणांक यहाँ पर है 1, टी के साथ में कुछ नहीं यानी 1 है, टी की दो के साथ में कुछ नहीं है 1 है, टी की तीन के साथ क्या है 1। सेकंड पार्ट में टी का गुणांक हो जाएगा 1, टी की दो का गुणांक 1, टी की तीन का गुणांक 1, क्योंकि इनके साथ में 1-1 है। 1 × t टी होता है, 1 × t² भी टी स्क्वेयर होता है, और 1 × t³ भी टी की तीन होता है। इनके साथ में कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मान के चलेंगे, तो प्रत्येक का गुणांक क्या है 1-1। तीसरा पार्ट है x + 2xy + 3y। तो यहाँ पर पद हमारा हो जाएगा एक तो x, एक 2xy और एक हो जाएगा 3y। तो यहाँ पर x का गुणांक, x के साथ में जो x के साथ में क्या है यहाँ पर 1 हो जाएगा गुणांक। 2xy यहाँ पर संख्यात्मक क्या है 2, तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा। 3y के अंदर संख्यात्मक क्या है 3, तो 3 गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार है चौथा पार्ट 100m + 1000n। पहला पद होगा यहाँ पर 100m, दूसरा पद 1000n। तो 100m के अंदर m का गुणांक क्या है 100, 1000n में n का गुणांक क्या है 1000, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। पांचवा पार्ट है -p² q² - 7pq। तो यहाँ पर हमारे पास पद हो जाएगा पहला p² q², दूसरा पद होगा 7pq। तो यहाँ पर p² q² का गुणांक हो जाएगा घटा का 1, और यहाँ पर pq का गुणांक होगा जो संख्या है 7। छठे पार्ट में 1.2a + 0.8b। तो यहाँ पर पहला पद होगा 1.2a, दूसरा पद 0.8b। तो इस पद में a का गुणांक होगा 1.2, यहाँ पर b का गुणांक होगा 0.8। तो यहाँ पर हमारे पास जो पद होगा वो हो जाएगा 3.14r² तो r की 2 का जो गुणांक होगा वो होगा 3.14। आठवें पार्ट में 2 × l - b पद होगा हमारे पास 2 × l - b, तो l - b का गुणांक हो जाएगा 2। नौवें पार्ट में 0.1y + 0.01y का वर्ग, पहला पद होगा 0.1y, दूसरा पद होगा 0.01y की 2। यहाँ पर y का गुणांक है 0.1, y की 2 का गुणांक है 0.01।